माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। आज पैरामाउंट एजुकेशनल अकेडमी के इस वार्षिकोत्सव एनुअल फंक्शन में जिन्होंने मुझे यहाँ आने का अवसर दिया, मेरे बहुत ही परम मित्र, मेरे साथ जिन्होंने लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में काम किया, ऐसे मेरे भाई मेरे मित्र रविंद्र सिंह धामी जी यहाँ पर उपस्थित परम आदरणीय, जिनका सदैव आशीर्वाद मेरे साथ रहता है, ऐसे खड़क सिंह कार्की जी, आदरणीय के बी पांडे जी, आदरणीय गिरीश जोशी जी, आदरणीय हरिश्चंद उपाध्याय जी, परम आदरणीय आनंद सिंह धामी जी, मिस्टर लक्ष्मीचंद पंत जी, जनार्दन पांडे जी, यहाँ की प्रिंसिपल उमा परवीन जी, शालिनी रानी जी, स्कूल की मैनेजर सुनीता धामी जी, परम आदरणीय चंद्रा धामी जी, भावना धामी जी, और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी अध्यापकगण, यहाँ पर उपस्थित सभी अभिभावकगण, बहुत ही प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे, आप सभी का मैं सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप सब ने यहाँ बुलाकर मुझे जो मेरा सम्मान किया, मेरा स्वागत किया, उसके लिए मैं आप सभी का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। अभी हम सब ने देखा, बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने बहुत ही सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर किए। सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा भी छात्र जीवन बहुत अच्छा रहा। मेरा निवास गदरपुर है, गदरपुर में रेड रोड पब्लिक स्कूल है, वहां मैं क्लास फर्स्ट से लेकर एलकेजी से लेकर, क्योंकि अब प्री नर्सरी और नर्सरी चलती है, लेकिन हम जब पढ़ते थे तो क्लास एलकेजी से स्टार्ट होती थी, एलकेजी से लेकर क्लास एट्थ तक, आठवीं तक मैं गदरपुर में रेड रोड पब्लिक स्कूल, जो इस समय रेड रोड कॉन्वेंट स्कूल के नाम से जाना जाता है, वहां पर मेरी पढ़ाई हुई। और हमारे जो वहां प्रिंसिपल थे, जो ऑनर थे, सरदार नायब सिंह धालीवाल जी, वो भी एक्स आर्मी, अनुशासन को बहुत मानते थे, बहुत अनुशासन प्रिय थे, अभी भी है। मेरा लगातार वहां उस स्कूल में आज भी जाना रहता है, और जिनसे मैं बड़ा उनका आशीर्वाद आज भी मेरे को हमेशा मिलता है, और मेरा लगातार उनसे संवाद भी बना रहता है। और जब हम स्कूल में वहां पढ़ते थे, उस समय मोबाइल का या पीएनटी फोन का इस्तेमाल नहीं होता था, मोबाइल उस समय आए नहीं थे, और स्कूल से जब हमारी छुट्टी होती थी तो हमें स्कूल की तरफ से आदेश था कि आप कहीं बाजार में घूमते फिरते हुए नजर मत आना, और अगर कहीं घूमते फिरते आप नजर आ गए तो अगले दिन वहां मंच पर बुलाकर बच्चे को एक या दो थप्पड़ लगाया जा सकता। और हमारा सौभाग्य रहा कि हमें कभी भी थप्पड़ खाने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। और अच्छी शिक्षा दीक्षा हमें वहां से मिली। अब जैसा मैंने आपको बताया, उस समय पीएनटी या मोबाइल फोन होते नहीं थे, और हमारे जो प्रिंसिपल थे, ऑनर भी थे, सरदार नायब सिंह धालीवाल जी, अगर हमारी 2 बजे छुट्टी होती थी वो 4 बजे उनके पास राजदूत मोटरसाइकिल होती थी, तो राजदूत मोटरसाइकिल लेके निकलते थे बच्चों के घरों में छापा डालने के लिए कि बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। तो मेरा घर उस समय हमारे गदरपुर में और थाने के सामने वाली गली है, उस गली में मेरा घर होता था, और लगभग गली के सेंटर में मेरा मकान होता था। लेकिन उस समय होता क्या था कि मकान छोटे छोटे हो गए थे, और अब सबकी छतें भी मिली हुई होती थी,
हमारे जो प्रिंसिपल गली के कोने से अपनी रात हुई मोटरसाइकिल से आते थे तो छतों के सहारे गली के दूसरे कोने तक पता लग जाता था कि हमारे प्रिंसिपल छापा डालने आ गए हैं। तो हम सब जो बच्चे थे वो किताब खोल के पढ़ने बैठ जाते थे, लेकिन वास्तव में उस समय हमें ऐसा लगता था कि हमारे पे इतना दबाव क्यों डाला जाता है पढ़ने के लिए, आखिर क्यों प्रेशर डाला जाता है, हमारे जो टीचर है हमारे जो शिक्षक है वो इतना दबाव आखिर हम पे क्यों डालते हैं, वो आखिर हमारी पिटाई क्यों लगाते हैं, हमारी इतनी चिंता क्यों करते हैं। लेकिन वास्तव में हमें जब बड़े होकर जब कंपटीशन के दौर से गुजरना पड़ता है तब हमें पता लगता है कि टीचर की वो डांट हमारे लिए कितनी जरूरी थी और टीचर की वो पिटाई हमारे लिए कितनी जरूरी थी। तो मैं आज आपके इस मंच के माध्यम से मेरे को जितने भी हमारे शिक्षक टीचर जिन लोगों ने पढ़ाया है उन सबका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और वास्तव में ये शिक्षक हमारे जीवन के लिए हमारे अनुशासन के लिए बहुत जरूरी है। अगर कोई भी बच्चा है उसके लिए दो चीजें उसके जीवन में होनी बहुत जरूरी है, एक अनुशासन। अगर बच्चे को अनुशासन का ज्ञान हो गया तो बच्चा वो जीवन में कभी भी मात नहीं खा सकता। और दूसरा विश्वास, अगर उसको विश्वास है अपने टीचर पे अपने शिक्षक पे तो कभी भी बच्चा वो अपने जीवन में मात नहीं खाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ भाई रविंदर सिंह धामी जी को, आज उन्होंने बुलाकर मुझे जो मान सम्मान दिया और अपनी कुछ पंक्तियों के साथ में, क्योंकि हमारा जो जीवन है जो बच्चों का जीवन है विशेष तौर पर वो कहीं ना कहीं संघर्षों के दौर से गुजरता है और वो संघर्षों का दौर ही हमारे जीवन को कहीं ना कहीं आगे लेकर जाता है। तो मैं भगवान श्री कृष्ण की कुछ पंक्तियां उन पंक्तियों को पढ़ते हुए अपनी बात को विराम दूंगा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, बस कर्म तुम्हारा कल होगा और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म नहीं निष्फल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी चमक लगे वो उतना खूब चमकता है, हीरे को जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तो धुन पर खूब खनकता है, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं क्यों सोचे रहा सरल होगा, हर एक संकट का हल होगा वो आज नहीं तो कल होगा, हर एक संकट का हल होगा वो आज नहीं तो कल होगा। तो इतना ही कहते हुए और आप सभी बच्चों को आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए और समस्त जो हमारे अभिभावक यहाँ पहुंचे हैं उन सब से भी यही निवेदन करते हुए कि हमारे जो शिक्षक होते हैं वही हमारे समाज की मुख्य धुरी होते हैं और हमारे जो बच्चे उनका अगर भविष्य उज्ज्वल बनाना है उज्ज्वल बनना है तो उनका जो सबसे बड़ा योगदान होगा वो हमारे शिक्षकों का होगा। अगर सभी शिक्षकों को भी आज के इस अवसर पर प्रणाम करते हुए नमन करते हुए पुनः भाई रविंद्र धामी जी का धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।